हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एगलेस वैनिला केक कैसे बनाया जाता है। वैनिला केक का बहुत ही सिंपल रेसिपी बताया है मैंने। इसमें ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल हुआ है ना बटर का, जो इसे बहुत इकोनॉमिकल रेसिपी भी बनाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा। इसके बाद मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च 2 टेबल स्पून। कॉर्न स्टार्च बाज़ार में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर 3/4 कप। इसके बाद मैंने ले लिया है तेल, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर्ड वेजिटेबल ऑयल या आप यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। सारी मेजरमेंट्स मैंने दी हुई है सबटाइटल में। एंड देन हमें लेना है बटर मिल्क 1 कप। बटर मिल्क मैं घर में बनाती हूँ, आधे कप दूध और आधे कप दही को मिला के। नेक्स्ट मैंने लिया है वैनिला एसेंस। एगलेस वैनिला केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लीन मिक्सिंग बोल में दही डालना है। इसके बाद उसमें आप दूध मिला दें, फिर तेल डालें, पाउडर्ड शुगर यानी कि भूरा चीनी डाल दें इसमें, और वैनिला एसेंस डाल के अच्छे से एक हैंड विस्क के मदद से मिलाएं। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अब हम एक छलनी लेंगे और उसमें सबसे पहले मैदा डालेंगे, फिर कॉर्न स्टार्च डालेंगे, फिर डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, और इन सारी चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से ताकि कोई लम्प्स ना रहे। इसके बाद एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करके अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड कर लेना है वेट इंग्रेडिएंट्स में, और आपको एक स्मूथ सा बैटर बनाना है केक का। 2 7-inch राउंड पैन्स लिया है मैंने और इसे मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। यहाँ मैंने बेकिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अवन को आप पहले ही 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें, और इसके बाद आप भी बैटर को इक्वली डिवाइड करके डाल दें दोनों पैन्स में। केक को करीब 25 से 30 मिनट लगेंगे बेक होने में 180 डिग्री सेल्सियस पे। जब केक पूरी तरह से बेक हो जाएगा तो उसे चेक करने के लिए आप एक स्क्यूअर का इस्तेमाल करें, वो साफ़ निकलना चाहिए। दैट मीन्स योर केक इज़ डन। नेक्स्ट, अब फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा व्हिपिंग क्रीम और वैनिला एसेंस। एक साफ़ मिक्सिंग बोल ले और उसमें आप व्हिपिंग क्रीम को बीट करना शुरू करें इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से। ध्यान रहे कि आपका व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडी यानी कि चिल्ड रहे, और आपको इसे एकदम स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप करते रहना है। अब आप इसमें वैनिला एसेंस डाल देंगे जिससे कि टेस्ट एनहांस हो जाएगा, और आप बीटिंग कंटिन्यू रखें। व्हिपिंग क्रीम ऑलमोस्ट स्टिफ पीक्स तक बीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसे चेक करके, और ये रेडी है बिल्कुल केक पे अप्लाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक टर्न टेबल लिया है और एक कार्डबोर्ड लिया है, जैसे केक बेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा ले सेंटर पे, और पहला लेयर केक का उस पर चिपका दे बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद आप थोड़ी सी क्रीम ले और ऊपर लगाना शुरू करें विद द हेल्प ऑफ एन ऑफसेट स्पैचुला। इसके बाद आप सेकेंड लेयर को जो है वो उल्टा लगाएं ताकि ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल फ्लैट हो और इजी पड़े डेकोरेट करने के लिए। इसके बाद आप क्रीम डाल लेंगे ऊपर के लेयर में भी, और उसे स्प्रेड करेंगे इवनली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफसेट स्पैचुला अगेन। इसके बाद केक के साइड्स को भी कवर करना है क्रीम से, और ऊपर और साइड को बिल्कुल स्मूथ करने के लिए फिनिशिंग दे स्पैचुला की मदद से। अब मैं कुछ रोजेट्स बनाने वाली हूँ, यानी रोज़ का पैटर्न केक के ऊपर, और एक बॉर्डर बनाने वाली हूँ मैं साइड में, जिसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और क्लोज स्टार टिप ले लिया है। पाइपिंग बैग में मैंने टिप को और क्रीम डाला है, और अब मैं पाइपिंग बैग की मदद से रोजेट्स बना लूँगी केक के ऊपर। रोजेट्स बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, बहुत ही इजी है। अगर आप एक दो बार देखें इसे ध्यान से तो आप भी इजीली बना पाएंगे। केक को फिनिश करने के लिए नीचे फ्लावर बॉर्डर दे दिया मैंने, और ऊपर से शुगर स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, वो भी कलरफुल थोड़े एडेड कलर्स और ब्राइट और वाइब्रेंट दिखाने के लिए।
एगलेस वैनिला केक बनके बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और डिलिशियस है टेस्ट में। अगर आपने इसे ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको डिटेल्ड और फुल रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपको जाना होगा मेरे ब्लॉग thefoodkiosk.org में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक छोड़ दूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय फॉर टुडे गाइज़।